यहोशू की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, उस पर इसराइलियों का यर्दन पार करना अर्थात इसराइलियों का कनान देश में प्रवेश करना लिखा है और इसके 14वें पद में लिखा है। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाजा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक उठाने वाले यर्दन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यर्दन तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय तक के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है, तब तो जल ऊपर की ओर से बहा आता था और वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारदान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा का ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। आप इन फोटो में देख सकते हैं कहाँ पर आदम लिखा है, आदम नगर था जहाँ तक वो दीवार की तरह जल रुक गया। और ये पॉसिबल ये रूट है जो आप इस फोटो में देख रहे हैं और इसी रूट से इसराइलियों ने कनान देश में प्रवेश करा और यरीहो आकर उन्होंने गिलगाल में अपने डेरे को डाला और वहीं पर उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने फसह को मनाया। और उसके बाद इसके 5वें अध्याय में और उसके 13वें वचन में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। और इसके बाद किस प्रकार यरीहो का भेद लिया गया और रहाब वेश्य ने किस प्रकार उन भेदियों को छुपा के रखा और उसके बाद किस प्रकार यरीहो का पतन हुआ वो आप यहोशू के अध्याय उसके 5वें 6वें 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और ये वो जगह है जो आप खास देख रहे हैं, ये खास तौर पे जब यरीहो का पतन हुआ था तो ये वो जगह जहाँ पर यरीहो में यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय दिलाई और किस प्रकार यहोशू ने यहाँ पर जय प्राप्त की। उसके बाद यहाँ पर जला के इस जगह को फूंक दिया गया और जब उसने यहाँ पर जय प्राप्त करी तो इस नगर को जला दिया गया परंतु रहब वेश्या और उसके परिवार को बचा लिया गया। इसके 6वें अध्याय में लिखा है, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेड़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेड़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगों का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयजयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नींव समेत गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़कर उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जयजयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर में और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल रहब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हों उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर रहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सब को जो यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल ले आए और इसराइल की छावनी के बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगा कर फूंक दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहोशू के समय काल की ये चीज़ें मिली हैं और बिल्कुल जैसे यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि किस प्रकार नगर को आग लगाकर फूंक दिया गया था तो ये बिल्कुल उसी प्रकार मिला है। और इसे ओल्ड जेरिको पुराना यरीहो शहर कहते हैं। जब यरीहो शहर की खोज की गई तब ये एशलेयर जो लिखा है ये जले हुए अंश मिले हैं जिस प्रकार यहोशू की पुस्तक में है। ये
यरीहो की दीवार का गिरना और उसके कुछ अंश हैं। ये रहा वेश्या का घर है जो यरीहो में था। सब बिल्कुल बाइबल के अनुसार पाया गया और नए नियम के अनुसार, जैसे आप इस जगह को देख रहे हैं, ये वाडी कल्ट कहलाती है और ये पॉसिबल रूट है जहाँ पर यीशु मसीह यरीहो को जाते थे, यरूशलम को जाते थे नासरत से। और आज ही इसके स्मारक पर एक जगह को बनाया गया है जो कि दयालु सामरी की जो कहानी है वो बताती है कि किस प्रकार यरूशलम बहुत ऊंचाई पर था और यरीहो शहर समुद्र की बहुत नीचाई पर है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। जूडियन हिल्स और माउंट ऑफ ऑलिव्स से बिल्कुल नीचे का रास्ता यरीहो की तरफ जाता है, जॉर्डन रिवर से होता हुआ। ये वाडी गल्ट में जो जगहें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यरीहो शहर बहुत ख़ास रहा है एलिहा के समय पर, एलिशा के समय पर। तो आप ज़रूर से अपने बाइबल अध्ययन को करिए, यरीहो की पुस्तक को पढ़िए, और जो भी आप बाइबल में यरीहो शहर को देखते हैं वो बिल्कुल यही शहर है। और आज हम इसी की जानकारी को प्राप्त करेंगे, यरूशलम से किस प्रकार यरीहो को जाया जाता है। और बड़ी ख़तरनाक सी यहाँ पर एक जगह है, जैसे कि यरीहो इज़राइल के देश में आता है, कनान देश में आता है, परंतु अब ये फिलिस्तीन के अंडर भी आता है। और ये द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, बहुत प्राचीन सिटी, 11,000 साल प्राचीन सिटी जब इसकी खोज की गई। और कुछ इस प्रकार यरीहो दिखता है, बहुत ही गर्म है ये, क्योंकि ये समुद्र से बहुत नीचाई पर है, बहुत बिलो सी लेवल पर है ये शहर। और आज भी इसकी एक अपनी मान्यता है, जो आप ये माउंट देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई और 40 दिन 40 रात यीशु मसीह निराहार रहे जूडियन डेजर्ट में, जो कि यरीहो से लगा हुआ है। और यहाँ पर ही यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई शैतान के द्वारा, जब उसने सारे राज्य और वैभव को दिखाया। ये माउंट ऑफ टेम्पटेशन है, इसे आप मत्ती 4 उसके 8वें पद में पढ़ सकते हैं। ये वही जगह है और यीशु मसीह यहाँ पर रहे, यहाँ पर फिरते रहे। और यीशु मसीह निरंतर इस जगह पर आया जाया करते थे यरीहो में। और माउंट ऑफ टेम्पटेशन एक बहुत ख़ास जगह है जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। 400 सुसमाचारों में आप यरीहो शहर की विशेषता को पढ़ सकते हैं। आप अगर अपनी बाइबल अध्ययन को करेंगे तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह हमेशा यहाँ पर आते जाते रहते थे। और खजूरों का नगर भी इस जगह को कहते हैं। और ये माउंट ऑफ टेम्पटेशन है जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। और किस प्रकार यरीहो शहर बसा हुआ है, ओल्ड जेरिको और न्यू जेरिको, पुराना यरीहो और नया यरीहो, ये यीशु मसीह के समय का एक घर है जो कि बिना ईंट का बना हुआ है। ये गाय और ऊंट के गोबर से बना हुआ है और यीशु मसीह के समय का ये घर है, बहुत ही प्राचीन। और इसके दरवाजे इतने छोटे क्यों होते थे, क्योंकि वो झुककर अंदर जाया करते थे और झुककर बाहर निकला करते थे। और ये वो पेड़ है जिस पर जक्कई, यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश कर रहे थे तो जक्कई ने चढ़कर यीशु मसीह को देखा। और किस प्रकार आज ये शहर दिखता है, कितनी अद्भुत इस जगह का इतिहास है, प्राचीन यरीहो ये है जो आप देख रहे हैं। और ये गुफाएं आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, ये सारी गुफाएं मौजूद है बाइबल में लिखी हुई हैं। और बिल्कुल जैसे यरीहो सबसे पुराना शहर है इन द वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल सही बात है। और माउंट ऑफ टेम्पटेशन मॉनेस्ट्री से किस प्रकार यरीहो शहर दिखता है, मोआब दिखता है, और यहीं का वैभव दिखाकर शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा में डालने की कोशिश की, परंतु यीशु मसीह ने उस पर जय प्राप्त की। यरीहो शहर पर हमारी प्राचीन वीडियो भी बनी है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आप बाइबल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं। दूसरा राजाओं और उसके दूसरे अध्याय में जब एलिया का स्वर्गारोहण हो रहा था तो परमेश्वर ने किस प्रकार उसको भेजा। और सबसे पहले वो बेतेल को गया और उसके बाद एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वे यरीहो को आए और यरीहो आसी भविष्यद्वक्ता के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। और उसके बाद भी एलिशा ने एलिया को नहीं छोड़ा। और किस प्रकार एलिया का स्वर्गारोहण वहाँ से हुआ और किस प्रकार एलिशा ने
परमेश्वर की आत्मा का दुगना अभिषेक पाया और उसने चादर को यर्दन पर मारा और वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के 50-50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने उनसे कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तब उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यह वहीं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। और एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। यह शहर बहुत ही प्राचीन है और बिब्लिकली बहुत ही प्राचीन इतिहास से आश्चर्य कर्म कामों से भरा हुआ है और जितनी इसकी स्टडी की जाए उतनी कम है। परमेश्वर ने यहाँ पर बड़े अद्भुत काम यहोशू के साथ किए, एलिया के साथ किए और एलिशा के साथ किए। आप ज़रूर से अपने बाइबल अध्ययन को कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपकी बाइबल स्टडी में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए क्योंकि वो सब काम को कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।